हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूंगी मीठी हवाई रोटी की रेसिपी। चलिए फिर बताते हैं। आधा कप मैदा ले लिया मैंने और आधा कप घर का आटा। आटा मिला देने से और अच्छी हो जाती है। आप चाहें तो मैदे में भी बना सकते हैं। 1/4 आधी कप टूरी दही, 1/2 कटोरी शक्कर, 1/2 आपको जितना मीठा पसंद हो उतना मीठा डाल सकते हैं। दो चुटकी खाने का मीठा सोडा, थोड़ा सा नमक और 1 बड़ी इलायची जो शक्कर में हमने कूट ली है, और 1/2 कटोरी घी। घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से गून लेंगे। पानी नहीं डाला है हमने। आप घी कम डालेंगे तो पानी डालना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी मीठी होती है। कहीं जाना है आप 2-3 दिन के लिए बना के रख सकते हैं। शक्कर बहुत मोटी थी, हमने थोड़ा सा उसको पीस लिया था। इसको हम 2 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। ये देखिए आटा हमारा गूंदे हुए 2 घंटा हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना लेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसको गिर देंगे। इतना हमको मिलना है। पहले इसको बेल कर सेक लेंगे, फिर उसके बाद फ्राई कर देंगे।
गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे, नहीं जल जाएगी। ये देखिए ऐसे इसको हम सेक लेंगे। धीमी आंच पे अच्छे से सेकना है इसको। अब हम घी गरम कर लेंगे। इसको घी में ही तला जाता है, अगर आप चाहें तो रिफाइंड में तल सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टी लगेगी। गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको इसको सेक के बनाने से जल्दी जल्दी फ्राई हो जाती है और टेस्टी होती है। ये देखिए हमारी कितनी फूल गई है। गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। ये देखिए हमारी हवाई रोटी बन के तैयार हो गई है। देखिए कितनी खस्ता है। ये देखिए इसको बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी है मीठी रोटी। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी हुई। और ये मैंने चिकन भी बनाया इसके साथ खाने के लिए। ये चिकन के साथ खाइए, कलेजी के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगी है।